नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आरकॉम के बारे में। देखिए, आरकॉम एक ऐसी कंपनी है ना जिसके जो सीईओ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल मारनी है, ठीक है। ये है ना 2015 से आया है और ये कंपनी 2004 में फाउंड हुई थी। अब क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में ना इन्होंने बहुत लोन ले लिया था और इन्हें लगा था कि यार ये छुट्टा कर लेंगे, जैसे ऐसे मतलब इनकम आते जाएगी। पर आपको तो पता ही है, जियो ने कैसी बैंड बजा दी इनकी और उसकी वजह से ये शेयर गिर गया। पर अगर हम इसका 1 मंथ का या फिर समझो 1 ईयर का चार्ट पैटर्न भी देखें ना, तो यहाँ पर हमें इतनी एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखी थी, 350% की पॉजिटिविटी, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार देख लोगे तो 350% की पॉजिटिविटी हमें दिखी थी। पर ये जो इसने दिया था ना, ये एक पेनी स्टॉक के नाते दिया था, ठीक है। ये ऐसा कोई बिजनेस के नाते नहीं दिया था, तो आपको ये देख के चलना है। सेकेंडली, जो आपको देख के चलना है ना, वो यहाँ पर एक आपको जो दिख जाएगा कि देखिए, पहला पॉइंट तो हमने पकड़ लिया कि इसने इतना जो रिटर्न दिया है वो पेनी स्टॉक के नाते दिया है। यहाँ पर अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में हमें दिखेगा कि यहाँ पर ये है कंपनी का रिजल्ट। यहाँ पर हम देख ले, ऑपरेटिंग इनकम कम है। देखिए, ये जो इन्होंने ऑपरेटिंग 16 करोड़ का नेगेटिव में दिखाया है, पर अगर हम कैश इन हैंड देख ले तो 850 करोड़, यानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इनके हिसाब से। तो ये कैश इन हैंड कैसे आ गया, ये भी हमें इसको देख के ये नहीं करना है, पर जो हमें देखना है कि ये कैश इन हैंड इनके असेट बेचने की वजह से आया है। तो ये इसका कारण है कि इनके पास इतना सारा कैश पड़ा है, इनके असेट्स बिक गए हैं। तो वो एक ही बात होती है, या तो पैसा असेट्स में पड़ा है या तो इनके हाथ में पड़ा है, तो वो एक ही बात होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलायंस कॉम है, इसकी सारी न्यूज़ है यहाँ पर। लेंडर्स में रीस्टार्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर आरकॉम टेलीकॉम बिजनेस, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और कई सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें फ्यूचर में पॉजिटिविटी देखने मिलने वाली है। पर बात करें, ये जो हमें नेगेटिविटी का माहौल दिख रहा है ना यहाँ पर इतना अच्छा खासा, वो इसीलिए दिख रहा है बिकॉज ये जो स्टॉक है ना बहुत भाग चुका था। अब आप अगर इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लोगे ना, तो आपको एक पता चल जाएगा कि ये जो चार्ट है ना, ये ऐसे भागता है। देखिए क्या होता है ना, जब ये कभी ऊपर जाता है, ये कभी नीचे जाता है, और यहाँ पर ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, और ये है ना बहुत टाइम के लिए कंसोलिडेट भी करता है। तो अगर आपको है ना यहाँ पर कंसोलिडेशन का स्वाद चखना है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, क्योंकि आप कंसोलिडेट करके लॉस में बेचो, मैं ये नहीं चाहता। देखिए, जिसने ना ये शेयर को है ना इस टाइम पर होल्ड करके रखा होगा ना, उसने ये रिटर्न खाया होगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी बंदे ने इस जगह पर एक स्टॉक को बाय कर लिया और इस जगह पर सेल कर दिया, देखिए इस जगह पर बाय कर लिया, इस जगह पर सेल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर समझो इस जगह पर बाय भी कर लिया ना, तो वो इस जगह पर सेल भी नहीं कर पाया होगा, वो इधर सेल कर पाया होगा, तो वो इसमें अटका होगा, ठीक है। तो फिर ये बहुत ही कम होता है और ये होता ही नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना, ये सब मतलब झूठी बोल रहा है, मान लेने का सीधा सीधा। अगर हम इसके न्यूज़ की बात करें, तो लेटेस्ट न्यूज़ हमें कल की देखने को मिल रही है, यहाँ पर 1 डे अगो, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया। और यहाँ पर हमने देख लिया कि इसको इनका जो लाइसेंस है ना, वो रिन्यू होने के बाद भी इसमें लोअर सर्किट लग ही जा रहा है, तो आगे जाके इसके अंदर और बढ़ोतरी आ सकती है या फिर नेगेटिविटी आ सकती है। ऐसा अगर कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पर यहाँ पर जो आपको इसके फाइनेंशियल्स में थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है ना, वो ये सब कारणों की वजह से दिख रही है जो मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो आप है ना सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। जन गण मन अधिनायक, जय हिंद भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल वंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।